धामपुर मार्ग पर धड़ल्ले से दौड़ रहे गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गन्नों से भरे इन ओवरलोड ट्रक चालकों की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है, मगर इस ओर ट्रैफिक पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं है। मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत कांठ में धामपुर मार्ग पर चल रहे ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रक हादसों को दावा दे रहे हैं। नगर पंचायत कांठ में धामपुर रोड पर गन्ने से लदे ट्रक, जो कि स्योहारा शुगर मिल के लिए ट्रक गन्ना लेकर मिल को जाते हैं, इन ट्रकों के कारण आए दिन हादसों की संभावना बनी रहती है। आज भी इन ट्रकों के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। धामपुर रोड पर गन्ने ले जाते समय दो ट्रक, जो कि गन्ने से ओवरलोड भरे हुए थे, ओवरलोड होने की वजह से काफी गन्ना सड़क पर जा गिरा, जिससे रोड पर चल रहे राहगीरों के ऊपर गन्ना गिरने से बाल बाल बचा। किसी राहगीर के ऊपर भी गन्ना गिरने से एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। स्योहारा और शुगर मिल के लिए जाने वाले इन ट्रक ड्राइवरों की लापरवाही से आए दिन सड़क हादसे की संभावनाएं बनी रहती हैं। धामपुर मार्ग पर धड़ल्ले से गन्ने से ओवरलोड ट्रक दौड़ रहे हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सिवारा कहाँ से ला रहे हैं? छाई से। जी, ये गन्ना जो रास्ते में गिरा थी, लापरवाही से क्यों भर के ये पट लट जा गया, गीला गन्ना हो रहा था, पक गया। नहीं, अगर इससे कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? जिम्मेदार तो हम ही होंगे फिर उसके, और कौन है? लापरवाही की बात नहीं, ये थोड़ा गन्ना गिरने की वजह से हुआ है। तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से गीला गन्ना हो रहा है, उसकी वजह है, थोड़ी सी और कोई वजह नहीं। अभी वाली गाड़ी किसकी है? वो भी हमारी है। इसमें भी यही हाल है, उसका गन्ना भी गिरा पड़ा था। वो किधर गिरा? वो तो इसमें लग गई ना, वो थोड़ा सा निकालते टाइम जो है ना, वो अड़ गई पीछे से इधर, वो पीछे आ रही थी गाड़ी। लोड भर के दौड़ लगा रहा हूँ। हैं? लोड भर के दौड़ कर रहा हूँ गाड़ी। लोड भर के दौड़ कौन करिए? यहाँ कांट में भीड़ में कोई दौड़ थोड़ी हो जाएगी सर। वो गाड़ी पीछे थी, मेरी आगे थी, तो थोड़ा सा जब ब्रेक पीछे को करने में साइड में हो, जब जो है थोड़ा सा पट इधर साइड में आ गया। उनका ड्राइवर कौन है? दूसरा ड्राइवर आएगा वो। क्या नाम है उनका? मारूफ। मालिक का क्या नाम है इनके? महबूब। महबूब। कहाँ के रहने वाले हैं? सैसपुर के।